हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरा एक एडेनियम का प्लांट है, काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग पर है। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने एडेनियम प्लांट को कैसे इस हैवी फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लें। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हो, ये जो हमारा एडेनियम का प्लांट है इसको मैंने बोनसाई लुक दिया हुआ है। मैंने इसको एक फ्लैट पॉट में लगाया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, और इसका ट्रंक लेवल भी आप देख रहे हो काफ़ी हैवी है, और इसका जो बोनसाई लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मैं इसमें ही बताऊंगा आपको कि इसकी केयर कैसे करें समर में। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इसमें कि इसको हम समर में किस जगह पे शिफ्ट करें और कहाँ पे इसको रखें। तो फ्रेंड, ये हमारा एडेनियम का प्लांट है, इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर इसका टेम्परेचर जो क्लाइमेट का होता है वो कुछ ज़्यादा ही अगर गर्म है तो इसको हम थोड़ा सा सेमी शेड में रख देंगे, और इसको गर्मियों के दिन में हम इसको डेली वाटरिंग करेंगे, और जब विंटर आती है तब इसकी वाटरिंग हम कम कर देते हैं। और ये भी ब्लूमिंग पर है तो फ्रेंड, तो इसमें हम फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा ऐड करेंगे क्योंकि इसको फूड की ज़रूरत ज़्यादा होती है इस टाइम। कोई भी प्लांट अगर फ्लावरिंग करता है या फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो उसको फूडिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा एडेनियम है, इसको हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों को ऐड करके दिया हुआ है। इसमें मैंने एनपीके के कुछ दाने, 19-19-19 का एनपीके जो होता है उसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व करके इसकी सॉइल में दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड। और इसकी जो सॉइल है वो देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, इसको हम हल्का सा किसी भी चीज़ से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल गुड़ाई की तरीके हो जाएगी। तो इसकी हमको सॉइल जो मीडिया लेनी है वो भी काफ़ी सॉफ्ट लेनी है। तो बात करें अगर फ्रेंड इसकी वाटरिंग की, तो फ्रेंड इसको वाटरिंग, हम समर चल रहा है इस समय तो इसको हम डेली वाटरिंग करेंगे क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड पॉट हमको ऐसा लेना है कि इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी अगर हम जब करें तो पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। आपने जैसा ही पानी दिया इसका पानी तुरंत पॉट से निकल जाए, कुछ देर इसमें पानी स्टोर रहे बस उसके बाद इसमें पानी निकल जाए, इसकी जो सॉइल है वो केवल मॉइस्ट रहे। और फ्रेंड इसको हम टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। फ्रेंड मैंने इसको अभी लास्ट सीजन में प्रूनिंग करी हुई थी तो इसमें काफ़ी अच्छी ब्रांचेस निकल आई हैं, और जब इसमें कई ब्रांचेस होंगी तो इसमें फ्लावरिंग भी हैवी होगी जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको बात करते हैं कि इसको हम रखेंगे कहाँ पे। फ्रेंड इसको हमको फुल सनलाइट में रखना है, इंडोर नहीं रखना है, इसको जितनी अच्छी हो सके धूप हम देंगे। और फ्रेंड इसको जब हम धूप में रखेंगे तो फ्रेंड इसको हम कभी भी दोपहर में या जब डायरेक्ट धूप में होगा प्लांट तब हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे, इसकी वाटरिंग हमको केवल इवनिंग में करनी है। शाम के समय इसमें हम वाटरिंग कर देंगे जिससे रात भर इसके पॉट में जो वाटर होता है वो स्टोर रहेगा, और सुबह जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो इसका वाटर उड़ जाएगा। फिर उसके बाद हमको 2 या 3 दिन के बाद वाटरिंग करनी है। और फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड, तो इसमें हम एनपीके का कोई भी जो होता है लो नाइट्रोजन वाला वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ डीएपी के दाने भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको जो फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो प्लांट से दूर पॉट के साइड में ही हम इसका फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। अगर आप प्लांट के पास अपना केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। ओके फ्रेंड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।